मेरा मैं देश का। ये महोत्सव है आज़ादी के इतिहास का नए संकल्पों के साथ का आत्मनिर्भरता के आगाज का भारत के फिर से विश्वगुरु बनने के अरमान का मैं अनुराधा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस पावन दिवस पर जी हां मैं बात कर रही हूं हमारे स्वतंत्रता दिवस की यानी कि पंद्रह अगस्त की तो इस दिन हमें आज़ादी मिली थी और आज हम पूरे पचहत्तर वर्षों का सफ़र पूरा कर चुके हैं तो आप सभी को इस दिन के उपलक्ष में मैं हार्दिक बधाई देती हूँ ढेरों शुभकामनाएँ देती हूँ जैसा कि आपके चहीते कार्यक्रम में हर बार हम एक नई शख्सियत को आपके सामने लेकर आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मील का पत्थर गाड़ा है या यूं कहें कि जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है अपनी मेहनत से तो इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं निदेशक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के माननीय श्री अतुल करवल जी तो इनका स्वागत मैं इन पंक्तियों के साथ करना चाहूँगी तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में आपने समय निकाला और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आए आप आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ इंडिपेंडेंस डे की और सबको नमस्कार जी सर आप यहाँ पर आए हैं और आप चूँकि एक लंबा सफ़र आपने तय किया है अपनी सर्विस का और उसमें बहुत कुछ किया है लेकिन हम जानना चाहेंगे शुरुआत से कि अपने लक्ष्य क्यों आपने कैसे सोचा कि मुझे ये बनना है और कब आपको लगा कि मुझे पुलिस सर्विस में जाना है तो उसके बारे में कुछ बताइए मैंने पहले इंजीनियरिंग किया फिर एम किया पिताजी लेकिन मेरे गवर्नमेंट सर्विस में थे जी पंजाब सिविल सर्विस में रहे पहले फिर आई में प्रमोट हुए उनके जीवन को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह का एक समाज सेवा का उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और कितने लोगों के जीवन में वो एक इम्पैक्ट कर पाए उससे मैं बहुत प्रभावित था तो प्राइवेट नौकरी ना करके मैंने सरकारी नौकरी में जुड़ने का निश्चय किया जी तो मतलब सरकारी आपने देखा था कि किस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं पिताजी तो आपकी भी वही थी कि मुझे भी आगे चलकर देश की सेवा करनी है और पुलिस अधिकारी वर्दीधारी मुझे बनना है ये बहुत अच्छा किया सर आपने और आपके बनने के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस भी आए हैं आप जहाँ जहाँ आपने सर्विस की है उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन सर जब मैं आपको देखती हूँ तो आपके जब मैंने प्रोफाइल को देखा तो मुझे लगा कि आप खेल कूद में इतने सारी चीज़ों में आपकी इंटरेस्ट है और आपने इतना कुछ किया है जैसे कि हमारे यहाँ पर पुरानी कहावत होती है कि खेलोग खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब तो ये कहावत आप पर आकर बिल्कुल गलत साबित हो जाती है क्योंकि एक तरफ जहाँ हम देखते हैं कि आपने ऊंचाइयों को प्राप्त किया है अपने करियर में वहीं दूसरी ओर आप खेलकूद में भी अव्वल रहे हैं तो ये कैसे संभव हो पाया है तो इसमें एक कहावत अंग्रेजी की भी है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक डल बॉय अगर हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं तो कई बार हम हमारी व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता तो मैंने ये देखा है और अनुभव किया है कि आपका जो पर्सनैलिटी है जी। उसको अगर आपको कॉम्प्रीहेंसिवली पूरी तरह से विकसित करना है तो आपको खेलने कूदने में भी उतना ही रुचि लेनी चाहिए जो स्पोर्ट्स खेलते हैं लोग उसमें फिटनेस तो सीधा एक डायरेक्ट बेनिफिट है लेकिन उसके सेवा भी बहुत सारी लाइफ स्किल्स आपको मिलती हैं सोशल स्किल्स मिलती हैं दोस्त कैसे बनाने हैं टीम में कैसे काम करना है हर बार जीत नहीं होती जी जीवन में भी ऐसा ही होता है जी। आ, फेलियर से हार से हम कैसे सीख सकते हैं उसको अपनी स्ट्राइड में कैसे ले सकते हैं कि हम हमेशा के लिए डाउन ना फील करें निराश ना हो जाएं। आ, एक फेयर माइंडेडनेस स्पोर्ट्समैनशिप आदमी सीखता है जस्टिस की भावना सीखता है तो खेल कूद से आपको कई बार वो चीजें मिलती हैं जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई से आपको नहीं मिल पाती जी। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छी बात है लेकिन साथ ही साथ खेल के दौरान जो विकास होते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं सर आपने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की और कैसा लगा आपको वहाँ पर जाकर वो भी बताइए साथ ही साथ ये बताइए कैसे प्रेरित हुए आप आपकी प्रेरणा क्या थी तो अनुराधा जी मैं बड़ा हुआ चंडीगढ़ में वतन मेरा वहाँ पे है और छुट्टियाँ मनाने हम आमतौर पर पहाड़ों में जाते थे कुल्लू मनाली या शिमला तो पहाड़ों से मुझे बहुत प्रेम है क्यों है कैसे है ये मुझे पता नहीं है तो एक अभिलाषा थी कि मैं कभी एवरेस्ट की देवी का दर्शन करूंगा चाहे बेस कैंप ट्रैक करने जाऊंगा और जब ये मौका मिला कि पुलिस की एक टीम वहाँ एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए इकट्ठी की जा रही है तो वो मौका फिर मैंने खोना नहीं चाहा और तैयारी में मैं फिटनेस में पहले से था पुलिस की ट्रेनिंग में उनने मुझे बहुत परिवर्तित किया जी। आ, फिर भी लेकिन इसकी तैयारी के लिए डेढ़ साल तक मैंने आ, सिंगल पॉइंटेड फोकस मेरे जीवन में इसके सिवा उस समय और कुछ नहीं था नौकरी सुबह शाम एवरेस्ट पे जाने की तैयारी और आमतौर पर ऑफिस से लौट के मैं आता था छः सात बजे आठ बजे खाना खा के सो जाता था बारह बजे उठ के फिर मैं अपना पच्चीस किलो का बस्ता लेके बारह से पांच सड़क पे चलता था हफ्ते में दो तीन बार ताकि उतना वज़न उठा के मेरे शरीर को चढ़ने की चलने की क्षमता होनी चाहिए जी। उसी तरह उसी वज़न से 25 किलो से मैं किसी बड़ी बिल्डिंग को चुन के अगर 12 फ्लोर की है तो उसको 15 बार मुझे चढ़ना है तो वो मैं ऑफिस के साथ साथ रात में शाम में इस तरह की तैयारी डेढ़ साल तक करता रहा जो भी सूझा वो किया क्योंकि ये लक्ष्य इतना प्रिय था मुझे मैं इसलिए नहीं चूक जाना चाहता था कि मैं पूरी तरह तैयारी नहीं कर पाया कोई और चीज़ किसी कारण से ना हो पाए लेकिन ये गिला शिकवा रखना कि मैंने तैयारी और की होती तो सफलता मिल जारी। जाती जारी। वो रिग्रेट मैं नहीं चाहता था जी जी तो डेढ़ साल तक काफ़ी मेहनत की तो डेढ़ साल के अथक प्रयास के बाद फिर आप पूर्णतः हिमालय पर आप गए और एवरेस्ट की चढ़ाई की आपने कैसा लगा सर आपको जब आपने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया जब आप एवरेस्ट पर थे उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था पहला तो मैं उसको एक आशीर्वाद की तरह लेता हूं क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे कहीं बेहतर तैयारी कहीं बेहतर अनुभव लेके वहाँ आते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते तो मेरे लिए एक आशीर्वाद की तरह था तो मैं बहुत आभारी था एक ग्रेटफुलनेस की फीलिंग बड़ी स्ट्रांग थी एक खुशी की भावना बहुत स्ट्रांग थी जब चोटी पे पहुँच पाया मैं और ऑड्स के अगेंस्ट यानी मेरी सफलता इतनी आ, संभव नहीं थी उसके बावजूद मिली तो मैं उससे बहुत प्रेरित हुआ और बहुत ब्लेस्ड महसूस करता हूँ जी, जी। uh, काफ़ी अच्छा लगा आपको और वो जो पल है वो शायद आपको जीवन भर याद रहेगा सर uh, अभी आप जो हैं वो डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर हैं नेशनल पुलिस एकेडमी में तो uh, क्या कुछ ट्रेनिंग्स आप लोग देते हैं आईपीएस ऑफिसर्स को जो भावी आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो राज्यों में जाएंगे वहाँ की पुलिसिंग वगैरह देखेंगे तो उनको किस तरह का प्रशिक्षण आप लोग देते हैं आई का जीवन बड़ा कठिन है uh, उनको मेंटली बड़े साउंड होने की ज़रूरत है कायदा कानून बहुत अच्छी तरह जानने की ज़रूरत है उसके साथ साथ फिज़िकल टफनेस साहस की भावना और बड़ी क्वालिटीज़ बड़े मूल्य उनमें होने चाहिए तो तीन भागों में अगर हम डिवाइड करते हैं आईपीएस की ट्रेनिंग नॉलेज जिसमें तमाम तरह के कायदे कानून पुलिस का स्ट्रक्चर मैनेजमेंट फॉरेंसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन एथिक्स ह्यूमन राइट्स इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं स्किल सिखाई जाती है उनको तरह तरह की क्योंकि जो भी सिचुएशन वो हैंडल करने पहुंचेंगे वहाँ उनको पूरी अपनी सिखलाई को इकट्ठा करके उस सिचुएशन पे अप्लाई करना होगा जी। तो तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरह के क्राइम की हो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है अगर किसी एक्सट्रीमिस्ट या किसी टेररिस्ट के खिलाफ में कार्रवाई करनी है तो ऑपरेशन को कैसे प्लान करके अंजाम देना है कैसे लीड करना है तमाम तरह के हथियारों के साथ उनकी एक सेंस ऑफ कंफर्ट कि उसको बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँ शूटिंग स्किल्स में अच्छे हों उनको हम ड्राइविंग सिखाते हैं स्विमिंग सिखाते हैं हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं वाइट पॉटर राफ्टिंग कराते हैं रॉक क्लाइंबिंग कराते हैं ताकि जिगर खुल जाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए वो पर्याप्त हैं इसके साथ साथ आजकल के, के युग में हम एक एडिशनल चीज़ जो कर रहे हैं वो है साइबर क्राइम के खिलाफ उनकी एक बहुत अच्छी प्रोफिशंसी होनी चाहिए साइबर क्राइम के सिवा भी जितने भी क्राइम आजकल होते हैं उनमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का फुटप्रिंट मिलता है तो टेक्नोलॉजी के साथ में उनका एक कम्फर्ट लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऑलमोस्ट तीन चौथाई लोग जो सर्विस में आ रहे हैं वो इंजीनियर्स हैं तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ऑलरेडी वो लेकर आते हैं आते। इसके सिवा हमने जो पिछले कुछ सालों से शुरू किया है उनके मूल्यों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं क्योंकि कोई भी अफसर कुछ भी आप उसको सिखाएंगी तो उसका इस्तेमाल वो कैसे करता है वो उसके मूल्यों पर डिपेंड करता है तो इंटेग्रिटी प्रमाणिकता कंपैशन एक सहानुभूति की भावना होनी चाहिए जिनके लिए वो काम कर रहे हैं साहस की भावना होनी चाहिए टीम में काम करने की भावना होनी चाहिए विनम्रता होनी चाहिए ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि अपने आप को दूसरों से सुपीरियर ना माने आम जनता कम से कम जो जिसको सहूलियत है उससे भी वो उस अदब से उस रिस्पेक्ट से बात करें जो हैं। एक नागरिक के साथ होनी चाहिए इन मूल्यों पे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं इनका हर ट्रेनिंग एक्टिविटीज में समावेश करते हैं अच्छा। तो ये तो सर आपने काफ़ी विस्तृत जानकारी दी हम हमें कि किस तरह से आप लोग आईपीएस ऑफिसर्स जो भावी पुलिस बनकर जाते हैं पुलिस अधिकारी राज्यों में वो किस तरह से डील करते हैं सर यहाँ पर आपने साइबर क्राइम की बात की तो साइबर क्राइम को आप आ, किस तरह से और क्योंकि ये अब तो आ, एक तरह से देखा जाए तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही हैं और लेटेस्ट साइबर क्राइम्स के भी क्राइम्स जो हैं उनके लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं तो उनको हैंडल करने के लिए क्या कुछ अलग से स्पेशल कुछ ट्रेनिंग अभी इवॉल्व की गई है आपकी ट्रेनिंग में आ, ट्रेनिंग एवोल्यूशन हमारा चलता रहता है जैसे जैसे चुनौतियाँ दिखती हैं फील्ड में ट्रेनिंग हर साल कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ, कुछ इम्प्रूव होके उसको डील करने के लिए बेहतर होती रहती है हुँ. इसके लिए हम बड़ा डिटेल्ड एक मॉड्यूल करते हैं क्योंकि जितने भी आ, स्टेट्स में डीजी वगैरह हैं उनकी अपेक्षा रहती है कि जवान अधिकारी मेरे पास आया है तो साइबर कैम्प के बारे में इसको जानकारी होगी और होनी चाहिए इसलिए हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास की लेबोरेटरी है जिसमें से जो हमारे ट्रेनर्स हैं कई बार विदेश जाके भी ट्रेनिंग देते हैं और देशों को तो वहाँ उनका बड़ा इंटेंसिव हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रहती है कि एक्चुअली जो क्राइम हुआ है उसको आपने कैसे डील करना है उसके लिए हमारे साथ तेलंगाना स्टेट पुलिस का भी एक एग्रीमेंट है कि उनको जो लाइव केसेस हैं जो आज के तारीख में केस हुआ है उसमें भी एकेडमी शामिल होकर उनको जहां जरूरत होती है मदद भी करती है हम उनसे सीखते हैं सिखाते हैं और साथ ग्रो करते हैं कि आने वाले जो तरह तरह के मोड ऑफ साइबर क्राइम के सामने आ रहे हैं उनके लिए हमको कैसे तैयारी करनी है बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर हम लोग नेशनल पुलिस एकेडमी की बात करते हैं जब राष्ट्रीय ये जो आपका संस्थान है तो इसका इतिहास हम कुछ जानना चाहेंगे किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और क्यों इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ इसमें परिवर्तन होता रहा है इन पचहत्तर सालों में जी आई से पहले एक आई करके सर्विस होती थी इंपीरियल पुलिस स्वतंत्रता से पहले की बात है जी। फिर स्वतंत्रता पे ये चर्चा हुई कि इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए लेकिन सरदार पटेल साहब जिनको हम अपना ऑल इंडिया सर्विसेज का फादर मानते हैं उन्होंने कहा कि नहीं ये सर्विसेज चालू रखनी जरूरी हैं इन्हीं से देश यूनाइटेड रहेगा तो ये पहले हमारी संस्था शुरू हुई माउंट आबू राजस्थान में सी के नाम से सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज उसका नामकरण 1967 में राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी किया गया और उसके बाद 1974 में इस संस्था का नाम लो पुरुष के नाम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी रखा गया पचहत्तर में हम लोग उन्नीस में हम लोग यहाँ हैदराबाद में स्थापित हुए तो ये संस्था अब नाइनटीन से चली आ रही है जी। जी। दर्शकों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सर मैं, मैं बात कर रही थी कि जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई 1948 में आपने बताया तो वहाँ जो आधारभूत जो इसके निर्माण के पॉलिसीज थे वो उनमें कुछ परिवर्तन आया है या अभी तक वो वही चले आ रहे हैं अकेडमी uh, हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूव uh, होती है uh, कि कांस्टेंट स्टेट ऑफ एवोल्यूशन में रहती है तो अगर आप देखें तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कहीं बेहतर हो गया है कोई ऐसी हमें कमी नहीं है जो देश की कोई उत्तम पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए हमारे पास ना हो दूसरा कि हमारा सिखाने का तरीका इवॉल्व करता रहता है आजकल जो जवान अधिकारी आते हैं नवयुवान उनकी औसतन उम्र कोई सत्ताईस अट्ठाईस साल के आसपास रहती है जी। उनको सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए जो एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स पर आधारित होना चाहिए हमारा जो कंटेंट है हम क्या पढ़ाते हैं और क्यों पढ़ाते हैं उसका हमेशा एक विश्लेषण चलता रहता है कि हमको क्या नया शामिल करना है और क्या आप सिखाने की जरूरत नहीं है तो परिवर्तन तो एक हमारा नियम है हम हमेशा ये चेक करते रहते हैं फील्ड से कि क्या ऐसी जरूरत है फील्ड में जिसको हम परिपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं और हमें करने की ज़रूरत है जी। सर आपने गुजरात कैडर में जॉइन किया था अपना आईपीएस ट्रेनिंग कंप्लीट करके गुजरात में आप काफ़ी समय तक आपने कार्य किया अलग अलग क्षेत्र में कार्य किया तो उस उनमें से कुछ यादगार जो आपके पल रहे हों या कुछ यादें रही हों वो हमें बताइए गुजरात राज्य हमारे लिए अ, मेरे और मेरी वाइफ के लिए अब घर जैसा है हम दोनों और राज्यों से आते हैं मैं पंजाब से हूँ वाइफ बिहार से हैं लेकिन गुजरात में इतना अच्छा हमको एक प्रतिभाव वहाँ की जनता से मिलता रहा है और मिल रहा है कि आ, हर पोस्टिंग मेरी वहाँ बहुत मुझे यादगार की तरह है जी। पांच जिलों में मैंने एसपी की तरह काम किया हाँ। चारों कमिश्नरेट्स अहमदाबाद सूरत बड़ोडा राजकोट में काम करने का मौका मिला जी। और साढ़े तीन साल में उस समय मोदी साहब हमारे मुख्यमंत्री थे राज्य के उनके साथ मैं उनका सिक्योरिटी इंचार्ज भी साढ़े साल तक रहा जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अच्छा सर आपने बहुत कुछ सीखा और उन आ, मतलब क्या ऐसी कौन सी एक क्वालिटी उनकी सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी एक तो आ, बहुत मेहनत करते हैं इतनी मेहनत करते मैंने कम लोगों को देखा है अच्छा और ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है किसी भी चीज़ को जल्दी समझ लेने की और एक विजन बहुत बड़ा है उसके ऊपर से उनकी जो सोच है उससे हम सबको जो उनके साथ एसोसिएटेड रहे बहुत कुछ सीखने को मिला जी 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 आज उसका लाभ हम सभी देशवासी उठा रहे हैं सर आप गुजरात में थे तो आ, उस समय आ, वो जो राइट्स हुए थे बाबरी मस्जिद के दौरान उसके बारे में कुछ बताइए आप किस क्षेत्र में थे और कैसे आपने हैंडल किया उसको आ, उस समय मेरी पोस्टिंग डीसीपी बड़ोडा की तरह थी उस समय बड़ोडा में दो डीसीपी थे डीसीपी नॉर्थ एंड साउथ मैं डीसीपी साउथ था आ, हमारे बहुत अच्छे पुलिस कमिश्नर हीरा लाल साहब थे आ, बहुत ही प्रोफेशनल तो जैसे ही ये शाम की खबर है जब वहाँ भी कुछ स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गई थी राइट शुरू हो गए थे उसी रात से हमने बहुत स्टिक कर्फ्यू इनफोर्स किया और इतना कि अगले 48 घंटे और बहत्तर घंटे तक हम में से शायद कोई वापस घर पे नहीं गया होगा अंदर घुसकर उन क्षेत्रों में जहां इस तरह की चीजें ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी थी अंदर तक हमने कर्फ्यू इन्फोर्स किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि और जगह काफी जान माल का नुकसान हुआ लेकिन बुरोडा शहर में हमने एक भी जान नहीं खोई एक भी नहीं जी तो ये बहुत ही प्रशंसा की बात है सर और मैं आपको बधाई भी देती हूं कि इस तरह से आपने सूझबूझ से अपने कार्य किया और उस क्षेत्र को आ, उस इफेक्ट से बचाए रखा सर आगे आ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने विभिन्न समय में कई अलग अलग पदों पर कार्य किया है कई अलग अलग जगह पर कार्य किया है उनमें से कोई एक ऐसा चुनौतीपूर्ण कार्य जो रहा हो आपकी लाइफ में उसके बारे में कुछ बताइए मेरी डेपूटेशन रही अ, सी के साथ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो आ, सबसे बड़ा रिजर्व पुलिस बल है देश का उसके साथ मैंने कोई दो साल की नौकरी आई uh, जी श्रीनगर सेक्टर की तरह कश्मीर में की तेईस uh, बटालियन उस समय सी आर पी एफ़ की मेरा ऑफिस सुपरवाइज़ करता था और वहाँ आतंकवाद के विरुद्ध और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हैंडल करने के लिए मुझे वो सुपरविजन का मौका मिला वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था वैली की सिचुएशन उस समय ऐसी थी कि कभी भी कुछ भी होता था और हमें उसको इस तरह रिएक्ट करने की ज़रूरत होती थी कि हम कंट्रोल भी करें और कम से कम किसी का भी नुकसान हो सर आप स्टेट पुलिस में भी आपने काम किया और सेंट्रल आ, सेंट्रल पुलिस के साथ भी आपने काम किया तो दोनों में क्या अंतर लगता है किस तरह के काम होते हैं और दोनों में कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग और आ, आ, आपके लिए डिफिकल्ट रहा एक चुनौती भरा काम जो मुझे एक और उल्लेख करने की इच्छा हो रही है कि मैं अभी की जो मेरी एक पोस्टिंग है राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी के डायरेक्टर की तरह यहाँ हम पुलिस की भावी लीडरशिप को एक अंजाम दे रहे हैं उसको एक रूप दे रहे हैं और आने वाले तीस साल तक हमारे इस काम का असर उनके जीवन पे किसी न किसी तरह रहेगा तो ये एक बड़ी चुनौती है और बड़ा एक आधारभूत बड़ा फाउंडेशनल काम है जो मुझे बहुत एक उसकी अहमियत का एहसास हमेशा रहता है जी, जी। तो सर आपने आपकी खासा रुचि एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी रही है तो किस किस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स आपने अभी तक किए हैं और क्या कुछ आपका बहुत क्लोज जो आपके आ, हार्ट के हो उसके बारे में कुछ बताइए पहले मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था लेकिन पुलिस की ट्रेनिंग बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल होती है यहाँ की मेरी बेसिक ट्रेनिंग जो 88 से 90 तक हुई उसमें मुझे एडवेंचर का शौक़ हुआ उसके बाद माउंटनरिंग के सिवा मुझे घोड़सवारी का शौक है मार्शल आर्ट्स का शौक़ है आ, स्काई डाइविंग स्कूबा डाइविंग आ, दौड़ने का शौक है पचास सौ किलोमीटर लेकिन मैंने ये देखा कि इस एडवेंचर ट्रेनिंग का मेरे पर्सनैलिटी पर जो असर रहा उसका काफ़ी समावेश हमने पुलिस ट्रेनिंग में बहुत सालों से किया हुआ है तो हम हमारे जो नवयुवान अधिकारी आते हैं इनको भी ऐसी चीज़ें करने के लिए पुश करते हैं कि इनकी जो मानसिक और शारीरिक क्षमताएं हैं या मर्यादाएं हैं इनको हम हमेशा पुश करते रहें तो डर के बावजूद थकान के बावजूद आपको जिस काम को अंजाम देना है उसको आपको देना ही देना है वहाँ पर रुक नहीं सकते हैं इसलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो नवयिवान अधिकारी आते हैं कई बार सालों से इन्होंने 100, 200, 300 मीटर भी दौड़ा नहीं होता लेकिन ट्रेनिंग के पूरा होने तक 16 किलोमीटर दौड़ते हैं एक समय के मर्यादा के मुताबिक 40 किलोमीटर चलते हैं 10 किलो वज़न उठा के लड़कियाँ भी चलती हैं और उसको अंजाम देती हैं और उससे एक आत्मविश्वास जो पैदा होता है हाँ। और एक जो जानने को मिलता है कि मेरे अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं जो मुझे नहीं मालूम थी उससे एक फिर उनको एक साहस भी आता है फिर वो कोई भी चुनौती हो उससे घबराते नहीं है जी जी बिल्कुल ये प्रशिक्षण के दौरान जो आप लोग इतनी इतना मनोबल उनमें भर देते हैं तो वो जाकर किसी भी परिस्थिति का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं और इसका हम उदाहरण देखते हैं कई बार ऐसी जो आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे कि अभी कोरोना और इस लॉकडाउन में काफ़ी कुछ आप लोगों को करना पड़ा हर स्टेट की पुलिस को काफ़ी कुछ बंदोबस्त करना पड़ा तो उसमें उन्होंने एकजुटता दिखाई और वो उस काम को सफलतापूर्वक कर पाए तो ये निश्चय ही इस ट्रेनिंग का प्रभाव है उन पर सर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी कि फैमिली को आप कैसे टाइम देते हैं और फैमिली में कौन कौन है और किस तरह से आप मैनेज कर पाते हैं इतनी सारी एक्टिविटीज़ आपके इंटरेस्ट स्पोर्ट्स और फिर ऑफिस का काम और घर तो एक तो मेरी वाइफ भी आ, आई में है बैचमेट हैं दिल्ली में पोस्टेड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है आ, हमारी दो बेटियां हैं और दोनों ने पहले ग्रेजुएशन यहाँ से किया एक ने फिल्म मेकिंग में एक ने फिज़िक्स में फिर दोनों अमेरिका गई और उन्होंने अपना वहाँ मास्टर्स करके स्पेशलाइजेशन किया है तो उसके बाद वो दोनों वहाँ भी काम कर रही हैं बच्चियों को भी दोनों को हमारे साथ रहते रहते एडवेंचर का बहुत शौक़ है फिज़िकल फिटनेस का बहुत शौक़ है दोनों ने मेरे साथ हाफ मैराथन दौड़े हैं दोनों की स्कूबा डाइव्स मेरे से कहीं ज़्यादा हैं अच्छा। आ, बड़ी वाली ने मेरे साथ एक पैराशूट जंप भी किया है तो ये सब एक नौकरी होने के बावजूद हम में से कम से कम एक मैं या मेरी वाइफ नॉर्मली हम साइड पोस्ट भी स्वीकार करते थे ताकि हमको साथ रहने का मौका मिले तो करियर के बारे में बहुत एम्बिशस ना होके एक ये विचार था कि उसके साथ साथ हमको अपने बच्चों को बेटियों को अच्छे से बड़ा करना है और उसके लिए मुझे संतुष्टि है कि वो अब बहुत अच्छा कर रही हैं और हमें उन पर गर्व है अच्छा सर आपने बहुत अच्छे से मतलब बताया कि किस तरह से आप टाइम भी देते हैं और काफ़ी कुछ लोग जो अभी हमारे दर्शक देख रहे होंगे जो अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं अपनी लाइफ में कि हम काम करते हैं ये काम करते हैं हमें टाइम नहीं मिलता तो वो ज़रूर यहाँ से सीख ले सकते हैं कि, कि किस तरह से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए और फैमिली को भी टाइम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर uh, आपने जब अपनी ट्रेनिंग पूरी की 1988 में उस समय जो आपने ट्रेनिंग ली थी और आज अब जब उसी एकेडमी में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं एज ए डायरेक्टर आप वहाँ पर हैं सभी कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है तो कितना परिवर्तन हुआ है उस समय आपकी ट्रेनिंग में और अभी की ट्रेनिंग में वो बताइए uh, बहुत परिवर्तन है एक तो uh, पहले हमारी ट्रेनिंग uh, लेक्चर मोड से रहती थी बहुत इंटरेक्टिव नहीं थी फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी असरकारकता कम है तो जो ट्रेनिंग की मेथडोलॉजी है वो पहले से कहीं ज़्यादा अधिक आधुनिक हो गई है हम बहुत डिस्कशंस करते हैं केस स्टडीज़ डिस्कस होती हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम चाहते हैं उनकी हो ताकि ज़्यादा असरकारक हो दूसरा कि ट्रेनिंग के मापदंड हमने बहुत क्लियरली डिफ़ाइन कर दिए हैं आउटडोर ट्रेनिंग पहले से कहीं ज़्यादा हम व्यक्तिगत के ऊपर ध्यान देते हैं मेरा हर एक ट्रेनिंग अफसर एक राज्य लेवल की परेड कमांड करने के काबिल होना चाहिए तो मैं सिर्फ एक स्क्वाड को ट्रेन करके छोड़ दूँ उससे ज़्यादा मुझे ये करने की जरूरत है कि हर एक अफसर एज व्यक्तिगत इंडिविजुअली भी किसी भी काम को पूरा करने के लिए काबिल होना चाहिए तीसरा के एटीट्यूड्स की ट्रेनिंग हमने जो मूल्यों की ट्रेनिंग शुरू की है वो पहले हमारे समय पे इतनी असरकारक तरह से नहीं होती थी उसका कम उल्लेख होता था वो हमें लगता है बहुत ज़रूरी है अगर मूल्य अच्छे होंगे तो आप जो नहीं भी जानते हैं वो जानने के लिए आप सीखने के लिए मेहनत करते रहेंगे बिल्कुल उत्सुक और, रहेंगे हाँ और जो एक प्रमाणिकता है एक डेडिकेशन है एक कमिटमेंट है ड्यूटी के बारे में उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए उस पर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं जी। और वो आपसे भी सीख लेते होंगे कि आप किस तरह से इस आ, आ, मतलब पद पर होने के बाद भी अपने आप को फिट रखते हैं तो वो भी उनके लिए एक मोटिवेशन का कारण होगा सर आप कई सारे अवॉर्ड से नवाजा गया है कई सारे मेडल्स आपने प्राप्त किए हैं तो उनके बारे में हमें बताइए पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस और प्रेजिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग सर्विस ये हमारी सर्विस uh, की लेंथ पे और उत्तम कर्तव्य जिसने किए हो उसके आधार पर मुझे दोनों इनायत हुए हैं कश्मीर में मैं दो साल रहा तो दो ऑपरेशंस मैंने पर्सनली लीड किए उसके लिए मुझे दो गैलेंट्री मेडल इनायत हुए हैं कठिन सेवा पदक है कश्मीर में काम करने के लिए और एक अति उत्कृष्ट सेवा पदक जो भारत सरकार ने अभी स्थापित किए हैं वो मुझे इनायत हुआ है तो मैं आभारी हूँ कि मुझे जो मेरी नॉर्मल ड्यूटीज़ थी जिसको मैंने यथाशक्ति किया उसके लिए मुझे इतना सम्मान मिला मैं उसके लिए आभारी हूँ जी जी और आप बिल्कुल हम आपको भी बधाई देते हैं सर कि आपने मतलब इतने सारे सर्विसेज किए और उसके लिए आपको इतने सारे पदकों से नवाजा गया सर आप जब अभी यहाँ पर निदेशक के रूप पर रूप में हैं तो फ्यूचर में आप किस तरह से देखते हैं कि फ्यूचर के जो अधिकारी हैं वो उनमें और क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए या किस तरह के लोगों को वहाँ पर आना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जो लोग आईपीएस बनने के एस्पिरेंट्स हैं या जिनकी अभिलाषा है कि ये यूनिफॉर्म फोर्स ज्वाइन करें उनको पहली बात तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम एक सर्विस हैं हम देश सेवा के लिए हैं हमें देश के नागरिकों को भय से मुक्ति दिलानी है फ्रीडम फ्रॉम फियर दूसरा कि इस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए उनको मनोबल और फिटनेस की ज़रूरत है तो जो ऐसे लोग हैं जो कम्पीट कर रहे हैं उनको अपनी फिटनेस को पहले से बरकरार रखना चाहिए ताकि ट्रेनिंग वो अच्छी तरह से पूरी कर, कर, कर पाएँ तीसरा मुझे लगता है कि इस सब होने के बावजूद भी स्थिति इतनी जल्दी परिवर्तित हो रही है कि एक आ, लव ऑफ लर्निंग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की आ, एक एक जो एक, एक एटीट्यूड है वो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं तो ये हम सबके लिए एक Uh, मूल्य होना चाहिए कि मैं बदलती हुई स्थिति को फेस करने के लिए उससे निपटने के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जो मुझे नया सीखने की जरूरत है सीखता रहूं तो कहीं थमने की जरूरत नहीं है जी, जी। ये मानसिकता उनको लानी चाहिए ये मानसिकता उनको लानी चाहिए और ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि, कि किस तरह की पढ़ाई और किस तरह की तैयारी उन्हें करनी चाहिए कि वो सिविल सर्विसज में और आई पी सर्विसेज में वो लोग आ सके सेलेक्ट हो सके जी। कॉम्पिटिशन पहले से कहीं ज़्यादा फेयर्स है इसलिए मेहनत के बिना तो कुछ काम संभव नहीं है तो मेहनत उनको करनी ही पड़ेगी दूसरा एक ग्रोथ माइंड सेट ग्रोथ माइंड सेट करके एक शब्द ईजाद हुआ है पिछले कुछ समय में किताब भी है माइंड सेट के नाम से कि आप ये मान के ना चलें कि आपकी जो इंटेलिजेंस है टैलेंट है और जो आपकी कैपेबिलिटी है वो सीमित है या जेनेटिक है आप ये मान के चलें कि आप अपने परिश्रम से अपने अनुभव से उसको कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि मेरे पास कई ऐसे अधिकारी जो आते हैं आई पी वो पाँचवें छठे अटैम्प्ट में सफलता लेते हैं इसका मतलब उन्होंने पहले चार पाँच बार असफलता का सामना किया उससे सीखा अपने आप को इम्प्रूव किया और फिर इस इम्प्रूवमेंट के कारण वो सफल हुए तो जो ग्रोथ माइंडसेट सेट कि हम अपनी गलतियों से अपने फेलियर से कुछ सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं वो मानसिकता बड़ी जरूरी है सफलता के लिए तो मुझे लगता है मेहनत करने से जी ये जी सिविल सर्विसेज में सफल होना मुमकिन है जी 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 जैसा कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान यानी कि अभ्यास हम करते रहेंगे प्रयत्न करते रहेंगे तो निश्चय हमें फल की प्राप्ति हमारी इच्छा जो होगी वो हमें प्राप्त होगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ दर्शकों के लिए खासकर जो भावी युवा हैं जो इस चीज़ में रुचि रखते हैं आना चाहते हैं उनके लिए आपने बताई कि ये एक सबसे बड़ी कुंजी है मेहनत और उसका कोई विकल्प नहीं है सर uh, आपने स्टेट पुलिस में जैसा बताया कि आपने कई वर्षों तक कार्य किया फिर आप अभी यहाँ राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में हैं सी में आपने काम किया तो इनमें क्या आ, परिवर्तन होता है कार्य प्रणाली में एक स्टेट लेवल पर जब हम काम करते हैं और एक नेशनल इंस्टीट्यूट में जब हम काम करते हैं तो उसमें क्या आ, डिफरेंस होता है स्टेट लेवल पे जो सिविल पुलिस का काम है वो नागरिकों को से बहुत कांटेक्ट में रहते हैं हुँ. हमारा पब्लिक कांटेक्ट बहुत होता है और डायरेक्टली हम लोगों के जीवन के साथ डील करते हैं चाहे वो क्राइम है लॉ एंड ऑर्डर है या हमने और कोई सेवाएं उनको देनी है पुलिस स्टेशन को कैसे बेहतर और रिस्पॉन्सिव और फ्रेंडली बनाना है ताकि लोग वहाँ आने से डरे नहीं तो ये सिटीजन सेंट्रिक काम हमारा स्टेट पुलिस में सिविल पुलिस में रहता है पैरामिलिट्री का काम है कि इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा करनी है बॉर्डर सिक्योरिटी uh, करनी है उसके लिए पहली बात कि उनका सिटीज़न कॉन्टैक्ट सिविल पुलिस के बनस्पत कम होता है दूसरा कि ये फोर्सेस वायलेंस से डील करने के लिए हिंसा से निपटने के लिए ज़्यादा तैयार ज़्यादा तैनात होती हैं इसलिए उनका जो कॉम्पिटेंस है वो आतंकवाद को लड़ने के लिए अगर कोई आ, ऐसा देश है जो हमको बॉर्डर पे हमको कोई तकलीफ़ दे रहा है उसका सामना करने के लिए तो उनका एक कॉम्पिटेंस उनकी ट्रेनिंग हमसे अलग रहती है ज़्यादा स्ट्रिक्ट की है और ले डाउन प्रोसीजर्स हैं उन फोर्सेस में ज़्यादा और सिविल पुलिस में हम इनोवेट बहुत ज्यादा करते हैं सिचुएशन पे डिपेंड करके जी जी तो इस तरह के से आपने दोनों ही तरह के एक्सपीरियंस आपने लिए और दोनों जगह आपने कार्य किया और अभी भी आप कर रहे हैं हम तो उम्मीद करते हैं आने वाले जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो और भी ज़्यादा टैलेंटेड होंगे और आपसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा सर अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हमारी आज़ादी को पचहत्तर वर्ष पूरे होने जा रहे हैं अगले साल तो ऐसे में हमारे जो युवा हैं जो यूथ हैं जो भावी पीढ़ी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे Uh, मुझे लगता है कि भावी पीढ़ी बहुत काबिल है जी। uh, बहुत मेच्योर हैं बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हैं इंटेलिजेंट uh, लोग हैं और अभी इकतीस जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी का जी का एक इंटरेक्शन हमारे अधिकारियों के साथ हुआ था उन्होंने जो सवाल किया था मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा कि 75 साल के हमारे स्वतंत्रता के हो गए हैं और हमारे अधिकारियों का जो कार्यकाल है 25 से 30 35 साल तक होगा अगर जल्दी भी आ गए होंगे जवानी में तो अगले 25 साल में जब देश के स्वतंत्रता के सौ बरस पूरे होने को आए आप क्या ऐसा देखना चाहेंगे जिसमें आपने योगदान दिया हो तो नई पीढ़ी को मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने धेय बहुत ऊंची कक्षा के रखें ऐसे रखें कि जो एक जीवन समर्पित करने के काबिल हो जी। उसमें अगर आप असफल भी रहते हैं तो ये गिला नहीं रहता कि मैंने काश किसी अच्छे ऊंचे लक्ष्य के लिए अपने जीवन को समर्पित किया होता जी। कोई भी अच्छी प्राप्ति बिना मेहनत के बिना समय और ऊर्जा के नहीं मिलेगी बिल्कुल इसलिए अगले 25 साल ऐसी किसी चीज़ के पीछे लगाएं जो आपको फिर देख के गर्व हो कि आपने एक बहुत बहुत अच्छे काम के लिए अपने जीवन को आपने आ, समर्पित, समर्पित किया है जी। और एक मैं और कहना चाहूँगा कि आजकल की पीढ़ी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है टू तो डिवाइसेस बहुत रहती हैं लैपटॉप से लेके टैब से लेके और फ़ोन वगैरह और फिटनेस पे कई बार वो ध्यान नहीं देते हैं uh, मेरी सिखलाई है जो मैंने अनुभव किया है कि अगर आपका हेल्थ फिटनेस अच्छा नहीं है तो आप किसी काम को भी प्राप्त करने के लिए मेहनत उस तर की नहीं कर पाएंगे तो फिटनेस के लिए आपको असल दुनिया में बाहर आने की ज़रूरत है जी। प्रकृति के साथ समय गुजारने की ज़रूरत है ताकि आप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी बाउंड या डिवाइस बाउंड इंडिविजुअल ना रह जाएँ ये मुझे उनसे रिक्वेस्ट करना है सर uh, आप स्टूडियो में आए आपने इतना समय निकाला हमसे इतनी सारी बातचीत की और अपने सारे एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं आपका बहुत बहुत आभार सर मेरे लिए सम्मान की बात है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये सब कहने का मौका दिया ये शुक्रिया धन्यवाद दे मेरा देश है मेरी जान मेरा देश है मेरी पहचान मेरा देश है मेरा अभिमान जी हाँ दोस्तों आज इस पावन दिवस पर हमें याद करना चाहिए कि आज़ादी हमको कितने साल पहले मिल गई थी और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी तो हम इस आज़ादी में क्या योगदान दे रहे हैं वो हमें सोचना चाहिए और इन्हीं आशाओं और अभिलाषाओं के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा